पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजे पेरारीवालन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उम्र कैद की सजा काट रखी है। पेरारीवालन की समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाले याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। कोर्ट का फैसला आने के बाद नलिनी श्रीहरन मरुगन एक श्रीलंकाई नागरिक सहित मामले में अन्य 6 दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग जाएगी। इसके पहले की सुनवाई में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल से ज्यादा कारावास की सजा काट चुके एजे पेरारीवालन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया था। कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ को बताया कि केंद्रीय कानून के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा में छूट, माफी और दया याचिका के संबंध में याचिका पर केवल राष्ट्रपति ही फैसला कर सकते हैं। बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया था। सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद कोई राहत न मिलने के बाद ही दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 2016 और 2018 में जयललिता और AK पलानीसामी की सरकार ने दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी, मगर बाद के राज्यपालों ने इसका पालन नहीं किया और अंत में इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। लंबे समय तक दया याचिका पर फैसला नहीं होने की वजह से दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में हत्या हुई थी और 11 जून 1991 को पेरारीवालन को गिरफ्तार किया गया था। पेरारीवालन घटना के समय 19 साल का था और वह पिछले 30 सालों से जेल में बंद है।